हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिलाष मिश्रा, कंप्यूटर ट्रेनर। मेरे न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपलोड आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास में मैं आपकी जो वीडियोज में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो उसमें बताता हूँ। मैं स्टॉक ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं उन सबके ही बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले स्टॉक के बारे में हम जानते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि किसी भी चीज के सामान का हम अपने पास उसका ज्यादा से ज्यादा अपने पास स्टोर कर ले, तो हम स्टोर वो हमारा क्या होगा, स्टॉक हो गया। अगर हम एक ग्रुप के माध्यम से करेंगे, जैसे कि मान के लो हमारा कोई भी ग्रुप है, जैसे कि मान के चलो मैं कंप्यूटर्स ले लूं तो कंप्यूटर्स का एक ग्रुप अलग हो जाएगा। दूसरा मैं अगर किसी चीज का ले लूं, लैपटॉप्स ले लूं, तो लैपटॉप्स का ग्रुप अलग हो जाएगा, कीबोर्ड्स का अलग ग्रुप, तो वो ग्रुप्स हो गए। लैपटॉप्स में भी मान के चलो कि अगर मैं कई कंपनियां हमारे यहाँ लैपटॉप प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि एचपी आपने नाम सुना है, डेल का आपने नाम सुना है, और लेनोवो आपने नाम सुना, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो ये हमारे सब हमारे स्टॉक ग्रुप्स की होती है। तो आइए मैं ग्रुप्स के बारे में बताऊं। स्टॉक ग्रुप्स का मतलब स्टॉक में रखे हुए एक ही टाइप के अलग अलग जो हमारी वस्तुएं होती है उन्हें हम परचेस में हेल्प करते हैं। परचेस करने में हमारी क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं, और उसी को टैली में हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, हम टैली में स्टॉक ग्रुप कहते हैं। स्टॉक ग्रुप में क्या है, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में अगर हमारा एक मेन ग्रुप हमारा लैपटॉप हो गया, लेनोवो एचपी हो गया, एसर हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे ग्रुप्स हो गए। तो आइए आज मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ। तो देखो, मैं यहाँ टैली को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। टैली जैसे मैं मैक्सिमाइज करूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी क्रिएट पहले से कर रखी है, यहाँ पे मैंने पहले से कंपनी क्रिएट कर रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ वहीं पे। तो अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप इन टैली। स्टॉक ग्रुप को टैली में कैसे क्रिएट करते हैं सिंगल वाइज। तो यहाँ पे मैं इन्वेंटरी पे क्लिक करूंगा। इन्वेंटरी पे क्लिक करने के बाद एंटर मारूंगा। एंटर के बाद देखूंगा मैं ऊपर आ रहा है आपका स्टॉक ग्रुप, तो आपको स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एंटर प्रोवाइड करना, एंटर प्रोवाइड करो, आप क्रिएट करोगे। क्रिएट करने के बाद स्टॉक ग्रुप किसी का भी बना सकते हो। यहाँ अगर मैं लैपटॉप का लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, लैपटॉप पे करूंगा तो लैपटॉप प्राइमरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे एंटर मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो ये मेरा ये नॉर्मल जो ग्रुप था हमारा वो बन चुका है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस यहाँ पे एम कर सकता हूँ, या हम ESC के साथ बैक पेज पे मैन जा सकते हैं। अब मैं आपको बता हाउ टू मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएट इन टैली, मल्टी ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको जो लेजर वाले ग्रुप बताए थे वो ये स्टॉक आइट इन्वेंट्री वाले हैं, वो अकाउंट्स इन्फो वाले ग्रुप थे। तो आप वहां से उसमें मल्टी ग्रुप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कर दिए। यहाँ पर मुझे ऑल आइटम सेलेक्ट करना होगा क्योंकि मैं लैपटॉप यहाँ पर नहीं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मल्टी ग्रुप में आ गए, यहाँ पे मैं टीवी ले सकता हूँ। टीवी हो गया मेरा, तो टीवी मेरा जो है वो प्राइमरी में हो गया, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। उसके बाद मेरा मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, तो यहाँ ये मेरा प्राइमरी में, यहाँ पे भी मैं इसको यस कर लूंगा। इसके बाद मेरा कंप्यूटर हो गया, तो ये भी मेरा प्राइमरी में आएगा, मैंने इसको भी यस कर लूंगा यहाँ पे। उसके बाद मेरा वॉशिंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ये भी प्राइमरी में आएगा और इसे भी मैं यस कर दूंगा। तो ये मेरे यहाँ पे क्या होगा, ये सब प्राइमरी इसके अंदर आते हैं। तो ये ऑल ये क्या हो गए हमारे अदर ग्रुपों के हो गए। तो मैं इसे एंटर एक्सेप्ट करा दूंगा। अब मुझे दूसरे जो ग्रुप में होते हैं, हमें यहाँ पे जो अगर आइटम बनाएंगे तो मल्टी स्टॉक ग्रुप इन वन ग्रुप में, अगर हमें एक ग्रुप का बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो यही पूरा करना होगा। इन्वेंटरी इन्फो में जाना होगा, स्टॉक ग्रुप में जाना होगा, और यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप एंड जो आ रहा है उस पर क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ऑल आइटम की जगह हटा के मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कंप्यूटर का ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। मुझे किसका करना होगा, मैं यहाँ पे कंप्यूटर के ग्रुप में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो एंटर करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर ग्रुप में अगर क्रिएट करना तो मुझे एचपी के कंप्यूटर, एचपी कंप्यूटर्स, एचपी कंप्यूटर्स हो गए। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली जो ग्रुप था वो क्रिएट में अपने आप अंडर आ जाएगा। उसके बाद मेरे दूसरे हो गए एचसीएल के,
HCL कंप्यूटर्स हो गए, HCL कंप्यूटर्स हो गए उसके हो जाएंगे, उसके बाद मेरे डेल के हो जाएंगे, डेल कंप्यूटर्स हो गए। इसी प्रकार लेनोवो हो गए या कंप्यूटर्स हो गए, तो हम इसी प्रकार हम अपने मल्टो ग्रुप के साथ एंटर कर सकते हैं। तो ये मैं इसके साथ एंटर एंटर एक्सेप्ट करा दूंगा। तो यहाँ ये हमारे थे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, तो स्टॉक ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपलोड आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।